क्या आप अपने फोल्डर को सिक्योर करना चाहते हैं, क्या अपने ऐप्स को सिक्योर करना चाहते हैं, क्या आप उनको हाइड करके रखना चाहते हैं, क्या आप एक ऑलमोस्ट लाइक एक दूसरा ही ऐप मेंटेन करना चाहते हैं जहाँ पे आपके कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हों। तो दोस्तों, सैमसंग के F23 में ये फीचर सब कुछ एक साथ अवेलेबल है और इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आशीष शेयर फर्स्ट एंड स्टोपर टेक और हमारे पास है गैलेक्सी F23 5G जिसमें आपको मिलता है सैमसंग का One UI 4.1। और हम बात करें सिक्योर फोल्डर की, आइए शुरू करते हैं। तो सिक्योर फोल्डर के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें आपको सैमसंग का अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप चाहे तो गूगल का अकाउंट क्रिएट कर लो, साथ में कनेक्ट कर लो, और आपको इसमें आपका फ़ोन नंबर भी देना होगा जो कि रिकवरी के लिए एसेंशियल है। ठीक है, ये दो बात क्लियर हो गई। तो आपको अपने ऐप ड्रॉअर में या कहीं पे भी सिक्योर फोल्डर खोलना है, और जब आप इसको लॉन्च करोगे तो जब फर्स्ट टाइम करोगे तो ये आपसे पिन वगैरह सब कुछ सेटअप करवा लेगा। तो मैंने वो किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये आप देख सकते हो कि ये सारे ऐप जो है बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। गूगल ड्राइव मैंने अलग से डाला है, बट ये सब के सब आपके फ़ोन में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप है उससे अलग है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब गूगल ड्राइव में जाऊँगा तो मुझे ये साइन इन करने को कहेगा, और अगर मैं गूगल ड्राइव अपने नॉर्मल वाले गूगल ड्राइव में जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सर्च करते हैं ये रहा गूगल ड्राइव, तो ये मुझे अपना गूगल ड्राइव जो मेरा गूगल ड्राइव वो एक्सेस करने देता है। लेकिन जब आप सिक्योर फोल्डर में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक अलग ही अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप उसको लॉन्च करो। तो सिक्योर फोल्डर सैमसंग ने क्या किया है कि आप डुप्लीकेट ऐप, क्लोन ऐप, सिक्योर हाइट सबको एक साथ कंबाइन कर दिया। ये जितने भी हैं यहाँ पे, ये आपका अलग सेपरेट है, प्राइमरी अकाउंट से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो सपोज़ करो आपका एक बिजनेस प्रोफाइल है, आप उसको अलग से मेंटेन करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। सिमिलरली माई फाइल्स है जिसमें कि आप फोटोज़ वगैरह जो है उसको ऐड कर सकते हो, सब कुछ यहाँ अलग से मैनेज होता है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो पावर की है उसको दो बार प्रेस करते हैं और ये सिक्योर फोल्डर लॉन्च हो गया। ये जो सेटिंग है ये इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो इसके, तो यहाँ पे आपको क्विक स्विच का ऑप्शन मिलता है, जो कि सैमसंग के अंदर ही बिल्ट इन फीचर है कि आप क्या लॉन्च करना चाहते हो साइड की से, तो आप चाहो तो उससे सिक्योर फोल्डर लॉन्च कर सकते हो बहुत ही क्विकली। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक चीज़ इसके बारे में। तो आपको मेन्यू में जाना है, लॉक एंड एग्जिट, यानी कि सब कुछ जितने भी ओपन है सबको लॉक एंड एग्जिट कर देगा। आप यहाँ पे फाइल्स ऐड कर सकते हो, आप इमेजेस चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये इमेज है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, या तो आप कॉपी कर सकते हो या तो आप मूव कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है तो मूव करो, अगर आपको सिंपल एक कॉपी ही क्रिएट करनी है तो आप सिंपल एक कॉपी कर लो। तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये कॉपी हो गया और ये मुझे मिलेगा कहाँ पे, मुझे माई फाइल्स में ये मिल जाएगा, या गैलरी पे भी जाओगे तो गैलरी में भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ, वो है कैमरा। अगर आप सिक्योर फोल्डर के अंदर के कैमरा का आप यूज़ करते हो तो उसकी जो इमेज है वो आपको अलग से यहाँ सिक्योर फोल्डर के गैलरी में ही मिलेगी, वो आपको नॉर्मल गैलरी में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कस्टमाइज में। तो कस्टमाइज में आप आइकन्स वगैरह सब चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स में ही सब कुछ प्राइमरी है। तो लॉक टाइप आपको क्या चाहिए, तो आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग तरह का लॉक यूज़ कर सकते हो, पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट से एसोसिएट कर सकते हो। और आपको रीसेट किससे करना है, सैमसंग अकाउंट से करना है, ये ज़रूर कर लेना। उसके बाद है ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर। आपको कितनी जल्दी लॉक करना है अपने सारे सिक्योर फोल्डर को, यानी कि जो भी उसके अंदर है, तो विद इन स्क्रीन, व्हेन स्क्रीन टर्न्स ऑफ, आफ्टर 5 मिनट, 10 मिनट, या जब फ़ोन रीस्टार्ट होता है तब, आपको जैसा कन्वीनियंस, आपका जैसा चॉइस। क्विक स्विच मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऐप्स कौन कौन से ऐप सपोर्टेड है, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कौन सा ऐप डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद मैनेज अकाउंट्स, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अकाउंट ऐड कर सकते हो, सैमसंग का हो या गूगल का, तो हर जगह उसी को ही यूज़ करेगा।
ऑटो सिंक सिक्योर फोल्डर डेटा, तो वो ऑटोमेटिक सिंक भी होता रहेगा। रीस्टोर फ्रॉम बैकअप ये फीचर अब सपोर्टेड नहीं है, बट अगर आपके पास पुराना बैकअप है तो आप रीस्टोर कर सकते हो। अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में देख लेते हैं, तो व्यू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, इंस्टॉल फ्रॉम डिवाइस स्टोरेज, ये सब कुछ एक्स्ट्रा फीचर है। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आप सैमसंग के फ़ोन्स यूज़ करते हो तो एक सैमसंग का अकाउंट बना लो, चाहे आप गूगल से लिंक कर लो और उसके बाद इसको यूज़ करो। बहुत ही बेहतरीन फीचर, मदर ऑफ ऑल फीचर्स जिसको बोला जाए, आपको इसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आप इसमें ऐप को भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब को ऐड कर देता हूँ, तो अब ये जो यूट्यूब है ये डिफरेंट होगा। आपका कोई अकाउंट से मतलब नहीं है कि आपके फ़ोन पे क्या अकाउंट था, इसका अपना ही अकाउंट चलेगा, या जब भी आप कोई गूगल अकाउंट डाल दोगे तो वो यहाँ से चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।